नमस्कार, इंडिया न्यूज हेल्थ देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। सर्दियों का मौसम आ चुका है और बदलता मौसम अपने साथ कई बीमारियों को लेकर भी आता है, इसीलिए आप इस मौसम में बीमारी का शिकार ना बने। इसीलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने में काफी बदलाव करने की जरूरत होती है। इस मौसम में गले में खराश, खांसी, जुकाम और नाक बहने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी पर भी प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से हम बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। ऐसे में आपको जरूरत है कि आप अपनी सेहत का खास खुद ख्याल रखें, कुछ बातों का ध्यान जरूर दें। हम सभी जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाती है। खराब लाइफस्टाइल और खान पान हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करने का मुख्य कारण होता है। इसीलिए आप इस मौसम में अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसका तरीका एक्सपर्ट ने बताया है। आइए आज हम आपको बेहतर तरीके से बताते हैं। लोगों को अपनी डाइट में एक गिलास वेजिटेबल जूस को शामिल करना ही चाहिए। ये जूस ना केवल आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, इसके साथ ही ये आपकी आंतों को भी स्वस्थ रखेगा। इस मौसम में आमतौर पर लोगों की स्किन ड्राई और डल हो जाती है, ऐसे में ये जूस स्किन के लिए भी फायदेमंद है। ये स्किन को ग्लो देने के लिए मॉइस्चराइज भी रखती है। साथ ही साथ ये जूस बनाने के लिए आपको चाहिए हल्दी, चुकंदर, गाजर, अदरक और आंवला। इन सभी सब्जियों को जूसर में डालकर इसका जूस निकालकर फ्रेश जूस पिएं। इस मौसम में सब्जियों का ज्यादा मात्रा में सेवन करने का तरीका भी आसान है और ये वेजिटेबल जूस आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें एक साथ कई सब्जियां होती हैं जिनका सेवन एक साथ कर सकते हैं। सब्जियों का रस पीने से आपको भरपूर फाइबर मिलता है और इसके साथ ही गैस की परेशानी भी खत्म होती है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां हम आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ के साथ। धन्यवाद।